हेलो, इन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन दिस क्वेश्चन इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू ए एंड ए बी इक्वल टू ए डी ऑल्सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, यानी ये दोनों एंगल बराबर है. वी हैव टू प्रूव सेकेंड स्टेप बी सी इज इक्वल टू डी ई. फॉर दिस सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, देयरफोर ऑन adding angle DAC on both sides, then angle BAD plus angle DAC, that is equal to angle EAC plus angle DAC. अब फिगर पे आइए. BAD और DAC मिलके क्या बनाएगा? एंगल बी ए सी, दैट इज इक्वल टू, ये एंगल ई ए सी है और ये डी ए सी क्या बनाएगा? ई ए डी, ठीक है ना? ई ए डी. नाउ ये इक्वेशन वन हुआ. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी लेंगे तो यहाँ ए डी ई लेंगे. ए डी ई क्या है? तो ए बी इज इक्वल टू ए डी. इस ट्रेंगल का ए बी और ए डी का ए डी, ये दोनों बराबर है. साथ ही साथ एंगल बी ए सी दैट इज इक्वल टू डी ए ई, ये डी ए ई कहें या ई ए डी, बोथ आर द सेम. ये हो गया गिवन, ये बाई वन. एंड थर्ड है इसका ए सी इज इक्वल टू ए ई, दिस ऑल्सो गिवन. Therefore, triangle ABC congruent to triangle ADE by SAS congruence axiom. याद रखिए SAS congruence axiom है. Implies that BC second last equal to DE. That is by CPCT. और यही हमें प्रूफ करना था. ओके.